बेशक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारा समझौता है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी छड़ी पर तोड़ देने से कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलिए, दिक्कत है? हाँ दिक्कत ना, आता ही मत दीजिएगा। आपने बोला कि वो सब लात खा रहा खाई है, आपके दरवाजे गए थे बच्चे, रोज जाते थे हमारे बच्चे, हम लोग जो भी कहते हैं खाना बना कर खिलाते हैं क्या? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पीहर का चचा यानी कि अपने मगरू चचा सत्ता के नशे में इतने मगरूर हो गए कि उन्होंने सोचा जनता मेरी गुलाम बन चुकी है, चाहे मैं इस डाल पर बैठूं चाहे इस डाल पर, ये जनता मेरे पीछे पीछे आएगी। लेकिन वो भूल गए थे कि लोकतंत्र में असली मालिक जनता ही होती है। इस बार मौका मिला तो अपने दूसरे बेटे को शिफ्ट करने की जुगाड़ में लग गए। लोगों ने सवाल उठाया कि आपके लिए पिछड़े दलितों के उत्थान का मतलब केवल आपका परिवार है। बहरहाल बड़बोले चचा यानी कि योगी सरकार में ताजा तरीन मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर घोसी में अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन जनता उनको बुरी तरीके से घेर रही है। जिस तरह के वीडियो उनके चुनाव प्रचार के सामने आ रहे हैं उससे एक बात तय हो रही है कि विपक्ष जो बात कह रहा है कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए अंधभक्तों में खामोशी है, वो बात सही प्रतीत होती दिख रही है। बड़बोले चचा अपने बड़बोलेपन में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए कह दिए थे कि लाख खाने के ही योग्य हैं, लेकिन इस चुनाव में उस एक बयान की वजह से उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान पियरका चचा का सामना एक ऐसी मां से हो गया जिसकी बेटी 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन में धरने पर बैठी थी, तो मां ने सार्वजनिक तौर पर सवाल कर लिया कि जब मेरे बच्चे आपके घर पर न्याय मांगने जाते थे तो आप तो कह रहे थे कि ये सब लात खाने के योग हैं। उस समय बड़बोले चचा का चेहरा देखने लायक था, हाथ में लिए तौलिए से अपना मुंह पोंछने लगे। जरा मगरू चचा का चेहरा देखिए। कि हम बहुत चिंतित रहते हैं इस सरकार से, बीजेपी सरकार से, जो कि योगी जी ने लिस्ट निकाल कर बच्चों को लाने का पकड़ा दिया है। बच्चे जो है धरना 10 दिन से दिए इको घाटे में से भूखे प्यासे जाते थे और उन लोगों को पुलिस को लगा कर उन लोगों को बस में भरवा दिया जाता था। आपने बोला कि वो सब लात खा रहा खाई है, आपके दरवाजे गए थे बच्चे, रोज जाते थे हमारे बच्चे, आपको दिखाया गया है बच्चों को, हम किस उम्मीद से, इनकी भी तो हो रही होगी कि हम शिक्षक बनेंगे। हम लोगों ने कैसे कैसे पढ़ाया बच्चियों को, अपनी बच्ची है हमारी। ये कोई पहला वीडियो नहीं है, इस तरह के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें जनता पियरका चाचा से जवाब मांग रही है। अब एक वीडियो में ओम प्रकाश राजभर खुद ये साबित कर चुके हैं कि जनता बीजेपी को वोट नहीं देना चाहती, शायद इसी वजह से जनता को बता रहे हैं कि बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी हूं लेकिन मेरा चुनाव निशान छड़ी है, आपको इस चुनाव निशान पर वोट डालने में कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब लोगों को कमल निशान पर वोट डालने में दिक्कत है। मगर अफसोस की बात, पियरका चचा जिस समय पूछ रहे थे उसी समय जनता से आवाज आती है, हाँ हमें दिक्कत है, मतलब कमल से दिक्कत है, अब इनके साथ आने पर छड़ी से दिक्कत भी है। तो साथी हमारा मकसद कहने का ही है, हम चाहते हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बेशक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारा समझौता है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी छड़ी पर तोड़ देने से कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलिए, दिक्कत है? कितने लोग अच्छा छड़ी है, दिक्कत ना, आता ही मत दीजिएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते चलते एक पुराना मामला भी देख लीजिए जिसमें पियरका चचा को खुद 69,000 शिक्षक भर्ती के एक पीड़ित अभ्यर्थी ने घेर करके सवाल पूछा था तो मुंह छुपा करके भागते नजर आए थे। भेदभाव नहीं है एनडीए सरकार में, कहीं भेदभाव नहीं है। सर भेदभाव तो है, हम लोग इको गार्डन में 650 दिनों से धरना कर रहे थे लखनऊ में,
जोश में नहीं, होश में बतिया। जी जी, ठीक है जी सर। आप ये बताओ ये मामला किसकी सरकार का है? सर ये आप ही के सरकार का है, आप ही के सरकार का है। सरकार की भर्ती है? नहीं सर, ये आपकी सरकार में है। 69,000 भर्ती आपकी सरकार में। देखो हम ज्यादा बोलते हैं। जी जी, प्रदेश में 403 विधायक हैं। जी जी, 25 करोड़ आबादी में जी ओम प्रकाश को सब जानते हैं। जी सर, हमसे ज्यादा जी जी पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यक के हक के लिए कौन लड़ता है? जी जी है कोई? लेकिन सर जब हमारी बहन बेटियां मार खाली उस समय आप कहाँ थे? जब हमारी बहन बेटियां मार खाली थी उस समय आप कहाँ थे? लखनऊ में हमारी बहन बेटियां मार खाई थी उस समय आपने क्यों? कुल मिलाकर के ये तमाम वीडियो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस बार जनता का रुख और मूड बदला हुआ है। शायद इसी को समझ करके ओम प्रकाश राजभर बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ जरूर चला गया हूं लेकिन मेरी पार्टी अलग है। लेकिन इस बार जनता समझने को तैयार ही नहीं, क्योंकि हर चुनाव में बार बार आप पलटी मारेंगे, बार बार जनता आपकी बातों पर आ जाएगी, ये संभव नजर नहीं आ रहा। जब एनडीए के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर प्रभु मोदी को ही अब जनता सुनना नहीं चाहती, तो आप तो फिर भी बहुत छोटे स्तर के नेता हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।